दोस्तों, अगर आपको भी वेंकटेश अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ भारत का भविष्य लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत में हाल ही में न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 1-0 से पटकनी दी है। इसके बाद भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊपर चढ़ गया है। भारतीय टीम ने टेस्ट टीम की साउथ अफ्रीका दौरे के लिए घोषणा कर दी है, लेकिन वनडे टीम की घोषणा अभी भी नहीं हुई है। तो इसी बीच भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आने लगा है कि किन दो खिलाड़ियों को टीम में एंट्री कराई जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी ओडीआई में एंट्री होनी चाहिए, अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत को दिसंबर के अंत में साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट और वनडे की श्रृंखलाएं खेलनी है, जिनके लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन वनडे टीम का ऐलान अभी नहीं किया है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोरोना के खतरनाक अमेरिकन वेरिएंट के कारण T20 सीरीज को रद्द कर दिया गया है, जहां पहले 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। उसके बाद 3 वनडे मैचों की भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन वनडे टीम की घोषणा आने वाले समय में कुछ दिनों बाद होगी। भारत के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने विराट कोहली की जगह T20 और वनडे में रोहित शर्मा को नया कप्तान और KL राहुल को नया उपकप्तान बनाया है। इधर चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में तहलका मचा रखा है। वहीं 2 खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर हैं, जिन्हें भारतीय दिग्गजों ने वनडे टीम में एंट्री कराने के लिए बयान दिया है। भारतीय दिग्गजों ने क्या बयान दिए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने वेंकटेश अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल करने के लिए कहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय चयनकर्ताओं को टीम में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने IPL में पिछले सीजन तहलका मचा दिया था और अब ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल में बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग वनडे सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश को शामिल नहीं करते हैं तो आपको चयनकर्ता होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में कि इनका शानदार प्रदर्शन इस चीज की गवाही दे रहा है। इसी सिलसिले में सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि ये दोनों खिलाड़ी इस समय भारतीय क्रिकेट को फुल साइज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है, इस चीज का दावा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज दे रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर ही रहे हैं, इससे पहले पिछले साल उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने भी वेंकटेश और ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ और इन दोनों की बल्लेबाजी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों बल्लेबाज टीम के एक मुख्य बल्लेबाज के रूप में रहेंगे। आने वाले समय में किन्हीं 2 खिलाड़ियों को इनके लिए खतरा है। ये दोनों खिलाड़ी जिस प्रकार से निरंतर बिना किसी कठिनाई के बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय टीम में इनका खेलना, और मुख्य चयनकर्ताओं से अपील करूंगा कि इन दोनों खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वनडे टीम में जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि ये लगातार ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने पिछले IPL के साथ साथ विजय हजारे ट्रॉफी में अभी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वेंकटेश अय्यर ने अभी तक 1 शतक और 1 अर्धशतक, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 3 शतक विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक लगा दिए हैं। जिस प्रकार से ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल होंगे या नहीं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, और आगे की ताजा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।